ए कबूतर, ये आंखें बंद किए किसके सपने देख रहा था? अरे फूलमती, अरे तारामती, अरे चंद्रमती, अरे मेरे जीवन के अंधेरे की बत्ती, मैं तेरे ही सपने देख रहा था, तेरे ही। झूठे कहीं के, बरसात का मौसम आया भी और चला भी गया और मेरा सारा बदन आम की तरह जलता रहा। और क्या करूं, मैं मजबूर था अपने कंजूस मालिक के हाथों। आज मेरा कंजूस सेठ दुकान पर नहीं है। जरा अपनी थैली तो दिखा। है? तेरी थैली खाली? मेवा लाल की माशुका की थैली खाली? देखो ना। अरे कोई बात नहीं, अभी भर देता हूँ, तू मांगती जा, मैं फ्री फंड में माल डालता ही रहूंगा। दो ना। लपक के ऊपर आ जा और इधर उधर देखती रह, कोई आ नहीं जा। लपक ले, लपक ले, लपक ले, ले कंजूस का माल, ले कंजूस का माल, ले जा। अरे ये बेटी अपनी माँ को देना। बिस्कुट दो ना, बिस्कुट। अरे बिस्कुट भी ले जा, बिस्कुट भी ले जा, धले धले धले, तुम बिस्कुट भी ले जा, माचिस भी ले जा, माचिस भी ले जा, तू कुछ भी ले जा, कुछ भी, कुछ भी ले जा, कुछ भी ले जा, तू कुछ भी ले जा, ये भी ले जा। आए आए मेरी मोहब्बत की फूलमती, ये अचानक तेरे बालों को क्या हो गया? ये खड़े खड़े और छोटे छोटे कैसे हो गए? याद करो, पिछली बार अपनी दुकान से चुरा कर उस कंजूस सेठ की नजरों से बचाकर मैंने तुमको खुशबूदार तेल दिया था, क्या वो तुमने सिर पर नहीं लगाया है? और अचानक तेरे शरीर से बदबू कैसी आ रही? क्या मेरे मालिक से गले मिलकर आ रही है? क्योंकि जब से वो पैदा हुआ वो साला नहाया ही नहीं। कंजूस मालिक के बदन की बदबू आ रही है? मैं जब से पैदा हुआ तब से नहाया नहीं हूँ। हराम खोर, मेरे दुकान का माल अपने बाप का माल समझ के उस धूलमती की थैली में डाला था। आज मैं तुझे चूहे मारने का पाउडर खिला कराऊंगा।